मॉर्निंग ऑनरेबल चांसलर सर, वाइस चांसलर सर, रिस्पेक्टेड सीओ सर, सीएफओ सर, रजिस्ट्रार, डीन, एडजॉइंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी ऑनर टू थैंक शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को और सभी शिक्षार्थियों को मेरी बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ज्यादा समय ले लूं आपका। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है आप लोग सब जानते हैं, नहीं जानते तो गूगल कर लेना। आपका टास्क शिफ्ट हो रही है आपसे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इतने बच्चे जानते हैं कौन है, हाथ खड़ा कर दे, इतने बच्चे जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तालियां नहीं बजाइए, हाथ खड़े करिए, ऐसे जानते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, लेकिन बड़ी ये हैरत की बात है। और इस पर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा इस भाषण के बाद। देखिए, जो शिक्षक होता है ना, गुरु जो होता है, वो सबसे महान क्यों होता है? मेरी दृष्टि में एक गुरु को भगवान से भी महान बताया, माँ बाप से भी महान बताया, सबसे महान गुरु होता। क्या आपने कभी सोचा कि भाई गुरु इतना महान क्यों होता? देखिए, दो बातें आप सोचिए। एक, भगवान ने भी जो सृष्टि बनाई तो अपने किसी ना किसी स्वार्थ के लिए बनाई। भगवान का स्वार्थ था कि वो मनुष्यों को संचालित करे, वो कर रहा है। माँ बाप बच्चों का लालन पोषण करते हैं, उन्हें पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह होता है कि बच्चा बड़ा होगा हमारे कुल का, हमारे घर का, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो उनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है। लेकिन गुरु, सच्चा गुरु, उसका कोई भी हित नहीं होता सिवाय इसके कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य आसमान की बुलंदी अच्छे। वो अपनी सारी जीवन की पढ़ाई, सारे जीवन की मेहनत आपको कुछ घंटों के अंदर, कुछ लेक्चर्स के अंदर, कुछ वर्षों के अंदर, पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर देता। हमें कुछ थोड़ा सा शिक्षक दिवस है, शिक्षकों से भी कुछ अनुरोध करना चाहूंगा कि शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती, मां बाप से भी बड़ी, ईश्वर से भी बड़ी। शिक्षक, यदि आप सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ाते हैं,
अपना सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं तो आपका शिक्षा का कार्य पूरा नहीं होता। आपको बच्चों के साथ जीना होगा, उनकी हर समस्याओं को समझना होगा, उनके साथ उन्हें जीवन का रास्ता दिखाना होगा, अपने अनुभवों से उन्हें जिंदगी जीने की कला सिखानी होगी। सिर्फ किताबी परिभाषाएं नहीं रटानी होंगी, उनको जीने को कैसे हमें जिंदगी में मुक्त परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों से कैसे निकल के जाना है। हम बच्चों में वो आग लगा सकते हैं, उनके अंदर वो जुनून पैदा कर सकते हैं जो उन्हें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब मैं चूंकि आप लोग जानते हैं आपसे ज्यादातर कि मैं कुछ ना कुछ साहित्य का कविता का लिखने का शौकीन हूँ, बहुत छोटी छोटी सी कुछ चीजें आपके लिए बोल रहा हूँ जो मैंने अभी अभी आजकल में लिखी है आपके लिए। सिखाए गुरु गुरु ने चेला का नाम हो गया। खुद समझते खुद तरकीबें टेक्निक स्टडी कह रहे हो। सिखाए गुरु गुरु ने चेलों का नाम हो गया, मंजिले रही मुनव्वर रख। सिखाए गुरु गुरु ने चेलों के नाम हो गए, मंजिले रही मुनव्वर रास्ते गुमनाम हो गए। मुनव्वर से बोलते मुनव्वर सदा रोशनी कि मंजिले आप मंजिलो हमारी, मंजिले रही मुनव्वर और हम रास्ते हैं, रास्ते गुमनाम हो गए। शागिर्द हुए सरफराज, सरफराज मतलब नरेंद्र मोदी, शागिर्द हुए सरफराज गुरु गुमनाम हो गए। शागिर्द हुए सरफराज गुरु गुमनाम हो गए, सिखाए गुरु गुरु ने चेलों के नाम हो गए। अब तुम्हारे लिए मेरी हसरत, गुरु के तुम गुरु 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 समझते हो, प्राउड मेरा अभिमान होता ना, मेरा भारत मेरा अभिमान, आप मेरे भारत हो आप मेरा अभिमान हो। गुरु के तुम गुरु हो, हमारी हसरत यही कि तुम में से हर एक बहुत मशहूर हो। गुरु के तुम गुरु हो, हमारी हसरत यही कि तुम में से हर एक बहुत मशहूर हो। हमारी हस्ती मिट जाए चाहे, हमारी हस्ती मिट जाए चाहे, पर दुनिया में तुम्हारा जलवा जरूर हो। दुनिया में बच्चों और मैं अपने गुरुजनों से ये कहूंगा कि आउट ऑफ बॉक्स बच्चों को बताएं, बच्चों को जीवन सिखाएं। शिक्षा का सिर्फ किताबें सिखाना नहीं है, उन्हें जीवन जीने की शैली सिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार और आभार। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज की पहली परफॉर्मेंस के लिए ऋषभ को बुलाते हैं जो बी फार्मेसी डिपार्टमेंट से है। ऋषभ अपने पंजाबी भंगड़े के साथ
done by Gitu from the Department of Arts and Humanities. Thank you so much.
राजस्थान से हमारे बीच में प्रेजेंट है। हमारे पास बहुत से हिडन आर्टिस्ट है, जैसे कोई तो हो गया, तो रिक्वेस्ट मैं सभी बच्चों से करूंगा, जो भी आपके अंदर हिडन आर्टिस्ट, जो भी टैलेंट है, आप उसको अपने अंदर का निखारें, बाहर लेकर अपने प्रकटीज हम लोग प्रमोट करेंगे, हम लोग आपको प्लेटफॉर्म देंगे। मोस्टली थिंक तो हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर वी जी ने कवर कर लिया है, बट मैं आप लोग सबको बताना चाहता हूँ, आज टीचर्स यूनियन के उपलक्ष्य में हम लोग मॉक कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं अर्निंग यूनिवर्सिटी के अंदर इस सेशन से। मॉक कोर्सेज वो होते हैं जो हम कुछ सेल्फ डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका ड्रोन हम लोग बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग लेके आ रहे हैं, आपका रोड सेफ्टी इसमें लेके आ रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस हम इसमें लेके आ रहे हैं। इसमें इस तरह से करीबन 12 कोर्सेज हम लोगों ने आप लोगों के फर्स्ट ईयर के बच्चों के ऐड किया हुआ है, जो जॉब ऑरिएंटेड है। आफ्टर 3 ईयर जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे, ये कोर्सेज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी हम लोग इंडियन आर्मी के साथ पैरेंट हो गए हैं, इंडियन आर्मी हम लोगों को बच्चे भेज रही है पढ़ने के लिए, करीबन 200 से 300 बच्चे इंडियन आर्मी भेजेगी। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा लाइब्रेरी है, इसमें एक ओपन लॉबी बना दी है, जो हमारे लाइब्रेरियन मिस्टर अमित हैं और जो हमारे आर्ट्स के सोमराज जी हैं, तो बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी रिक्रूटमेंट्स चाहे आईएएस जो भी आईएएस हो गया, आपका आईपीएस एचपीएस एचएएस सर्विस होता है, जो भी रिक्रूटमेंट सर्विसेज के फॉर्म्स निकलेंगे आप लाइब्रेरी में फिल कर सकते हैं। आपको गाइडेंस के लिए हमारा फैकल्टी या नॉट की स्टाफ मिलेगा, और वहां से जो भी आपको फॉर्म्स वगैरह प्रिंट आउट करने हैं ऑन अ रीजनेबल कॉस्ट, यू विल गेट फ्रॉम द लाइब्रेरी इटसेल्फ। इट विल बी अ कॉमन एरिया, इट विल बी आप लाइब्रेरी जाएं, बैठे आराम से, ठीक है। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, हमारे प्रेसिडेंट रहे थे 40 इयर्स ही सर्व एज अ टीचर, उसके बाद प्रेसिडेंट बने हैं। जब प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद जब बच्चे उनके पास पहुंचे कि हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया आप मेरा बर्थडे ना मनाएंगे ना, जो टीचर्स हैं हमारे, जो हमारे टीचर्स हैं, जो संडे मदर गुरु हैं, जब माँ बाप आपको सिर्फ हाथ पकड़ना सिखाता है, बट जो सबक है लाइफ का, जो आपकी नॉलेज गेन करता है, वो आपका गुरु करता है, यानी टीचर्स करते हैं। आई रिस्पेक्ट यू ऑल, जो टीचर्स हैं मेरा भी बहुत रिस्पेक्ट करना, आपके जो बच्चे हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, आपको प्यार करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। जहां पास आउट होने के बाद भी आप इनको इतनी अच्छी शिक्षा दीजिए कि जहां ही आपको रास्ते में काम कर चुके आपको नमन करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज तो टीचर्स डे है, तो क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए हमारे टीचर्स के लिए। इसमें हमें सबसे पहले हमारे डीजी मास्टर की बहुत बड़ी हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज रेडी हो जाइए। हिंट के लिए हम ये बता देते हैं कि हम सबसे पहले अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट के टीचर्स को बुला रहे हैं, और हमने हर एक टीचर के लिए एक सिंगल सॉन्ग डेडिकेट किया है, एंड यू ऑल हैव टू गेस दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू होम।
डेडिकेट किया हुआ है।
Thank you.
I'm not going to be able to do it.
आंटी एंड ग्रुप को प्लीज कम एंड द स्टेज।
थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स. थैंक यू.
90 डिपार्टमेंट का है। अब डीजे मास्टर प्लीज प्ले द फर्स्ट सॉन्ग। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ
नाटक करद्या 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 बॉलीवुड इंडस्ट्री च पहुंच गए। पंजाब दियां तुसीं जिन्नियां फिल्मां देखदे हो गौर नाल देखो कि मैं भी उहदे विच ही हूं। ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰੀਏ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਟਕ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਾਬਣੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਢੇਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਸਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਂਦਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਸਲਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਸੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ, ਵੀਰਾ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਇਓਪਿਕ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਮੀ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਰੇ, ਨਾਟਕ ਸਾਰਾ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋ ਭਾਵੇਂ ਬਿਰਬਲ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ
ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰੇੜੀ ਰੇੜੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦੋ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦੋ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਭਰਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂ ਉਮਰ ਭਰਦੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੱਟਿਆ ਹਮ ਜੀ ਪਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੱਪੂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੁਛ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੰਨ 'ਚ ਫੇਰੀ ਆਵੇ ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੰਮ
फर्ज है ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਚ
ਬਾਪੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਝੂਟਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ
शर्ट थोड़ी मेजी है तुम पढ़ो। बापू जी ने कहा नहीं, जे मास्टर जी ने तेन खुली शर्ट दिखी है कोई ना कोई कारण जरूर होगा, तू अपने मास्टर जी को जाके पूछ ला। सारिया गल पूछने मास्टर जी के घरे चला गया। मास्टर जी पिछे कोई ना कोई मतलब है कि कल जो तू स्कूल तो कॉलेज कॉलेज तो यूनिवर्सिटी जावे तो तू कि सानू भुलना जावे नाले मेरे ने एक वादा कर कि जो तू यूनिवर्सिटी तो पढ़ के अपनी जॉब दे इंटरव्यू देने जाएगा ना तो शर्ट पा के जाई सानू बड़ी खुशी होगी। पुत्र सानू बड़ी खुशी होगी। अफसोस मास्टर जी की दिती हुई शर्ट उसी तरह ट्रेंड च पई है पर मैं हारदा नहीं दोस्तों। मास्टर जी का दिता हौसला जो सू जिंद रखी फिर लेकिन कदों के मनों में खैर अठवीं तो दसवीं तो बाद ग्यारहवीं ग्यारहवीं तो बाद बारहवीं भाई मैं दोनों साल की दोनों साल किए की बाद दसा उस तो पहले एक मजेदार किस्सा सुनाना। मेरा एक यार हुंदा सी भोला उन्हू पेपर दे विच पढ़ी है बड़ी भैड़ी आदत सी तुहानू भी कईआं नू रही होगी पुछो कि नगर मारन की मैं तो मेरा यार भोला सी पेपर दे जाइए अचानक ही भोला पिछू बोलिया
पहचाने जी। हाँ सब मास्टर जी मैं
ठीक है, बट ये यूनिवर्सिटी आपसे वादा करती है, इसके लिए आप और एक जॉब ऑरियंटेड होगी या और डिग्री होगी। थैंक यू सो मच।
पर्सनैलिटीज जो है हमारी यूनिवर्सिटी की, उनको हम इन्वाइट करते हैं विद द सेम डेडिकेटेड सॉन्ग। तो फिर से टाइम आ गया है आपको गेस्ट करने का। डीजे मास्टर जी प्लीज प्ले द फर्स्ट सॉन्ग। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े कर लो फिर भी कभी कीमत कम नहीं होती, फिर भी कभी कीमत नहीं होती। और दो महीने बोलने जाऊंगा इंडियन आर्मी के लिए, जिनकी वजह से हमारा खून मेरे वतन के काम आए, ना आरज़ू हो जन्नत की ना खौफ हो मौत का, लेकिन हो कभी जिक्र शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। थैंक यू सभी को। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज टीचर्स डे है, इसी पे मैं छोटी सी पॉइंट, आप हम सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीख रहे हैं, उसी के लिए कुछ काम करो ना, मत हो निराश करो, पर होंगे मजबूत, तुम सपनों में साहस करो, गिरोगे लेकिन फिर से उड़ान भरो, सपनों में उड़ान भरो, तलाश करो मंजिल की, ना व्यर्थ जीवन दान करो, जन्म रहकर कुछ अपना नाम करो, अभी की शुरुआत करो, सुयोग बीत न जाए कहीं, सपनों में उड़ान करो, समझो खुद को, लक्ष्य का ध्यान करो, यूं न बैठकर बीच राह में मंजिल का इंतजार करो, संभालो खुद को यूं ना विश्राम करो, सपनों में उड़ान करो, उठो चलो आगे बढ़ो, मन की आवाज सुनो, खुद के सपने साकार करो, अपना भी कुछ नाम करो, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करो, सपनों में उड़ान करो, बह जाए अगर कलम, तो गुरु का ध्यान करो, तुम पा न सको ऐसी कोई मंजिल नहीं, हार जीत का मत तैयार करो, अड़ी रहकर लक्ष्य का मत पान करो, सपनों में उड़ान करो। थैंक यू। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूँ, लौट करके रहूंगा। थैंक यू। तो हैप्पी टीचर्स डे। और हम सभी जानते हैं कि टीचर का अहमियत क्या होता है हम लोगों की जिंदगी में। माँ बाप आते हैं, लेकिन माँ बाप से हम जिस दुनिया में, जिस देश में हम रहते हैं, टीचर को भी हम प्रभु मानते हैं, यही हमारे भगवान, यही हमारे पहले माँ बाप, इसको हम मानते हैं। टीचर्स के बिना बच्चों का जिंदगी बनना, ये सोचना भी नामुमकिन है। सारे टीचर्स को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज टीचर्स डे की आप सबको मेरी तरफ से बधाई, और सारे बच्चों को एक अनुरोध कि अपने टीचर्स को जैसा रिस्पेक्ट देते थे, प्यार देते थे, वैसा हमेशा देते रहे, और उनसे हमेशा उसे एक नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके टीचर्स के पास बहुत सारी चीजें आपको देने के लिए जो आप सोच भी नहीं सकते कभी अपनी जिंदगी में, वो टीचर्स आपको दे सकते हैं।
इसलिए आप सब अपने टीचर्स के पास जाएं, हमेशा उनको आदर करें और उनसे कुछ नया सीखें। ज्यादा समय नहीं लेता हूं, इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। चलो एनीवे थैंक यू वेरी मच ऑल माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, रेस्पेक्टेड सीनियर्स, ऑल द डॉक्टरेट्स, इवन दोज हु आर नॉट डॉक्टरेट्स, वी विश दैट आप आने वाले समय में अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करें, अच्छी अच्छी तरक्की करें। और कभी अगर ऐसा हुआ हो कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला हो जो आपको बुरा लगा हो तो मैं भी चाहता हूँ भाई, बट पोजीशन ऐसी है मेरी कि कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है प्रैक्टिकली चीजों को देखते हुए। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आज सुबह से सभी लोगों ने अपनी भूख को रोक कर टीचर्स ने सेलिब्रेट किया है। परेशान ना हो, घर चले भी रखा हुआ है, सब खाएंगे तुल के जो एक साथ, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ समय देने के लिए, खासतौर से हमारे जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये स्टूडेंट्स ने मतलब वी आर वेरी मच थैंकफुल टू दीज पीपल कि इन्होंने इसका सारा कॉन्ट्रीब्यूशन, सारे एफर्ट्स इन्होंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएट किए हैं। इसमें एक भी हमारी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, गाइडलाइंस नहीं, खाली सपोर्ट था। ये जो हम तो सोचते थे कि लंच से पहले सारा काम खत्म हो जाएगा, मालूम पड़ा इन्होंने डिनर तक का इंतजाम कर रखा है। यहाँ पर अभी आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले मैंने इसको बोला करने को, मैंने कहा जितनी जल्दी हो सकता है खत्म करना, एक तो 5 बजते ही तेरे को थप्पड़ पड़ने वाले हैं, सोच लियो तुझे। तो बेचारे ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी उसके बाद। तो वी वाज वेरी मच थैंकफुल टू दिस गाइस, इन्होंने सही में कल अपना संडे अच्छी तरीके से यूज किया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया मेहनत की। मतलब इनके बाद हमारे को एक नए डेकेड का एफर्ट आपकी नॉलेज, आप क्या इस लेवल पर काम कर सकते हैं, ठीक है।
लास्ट में थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टू द ऑनर वी रिक्वेस्टेड अवर रिस्पेक्टेड डीन आर एंड डी डॉक्टर सीपी वर्मा सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। Team who has done the play over here to come over here at the stage, and from our side please have some guest of honor to you, our honorable chancellor. I will request our honorable chancellor sir also to come on the stage and just present the guest of honor to this good people who have contributed and show the real importance of the teachers on this great institute stage of the Narayana University. Please sir, please. फिर से मुझे बुला लिया है, जो चीज इन लोगों ने वो प्ले बोली है इट्स अ फैक्ट। आई एम जस्ट प्लेस इन माय स्कूल टाइम आई एम इन माय कॉलेज टाइम आई एम बिकम द पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटीज व्हिच वाज कनेक्टेड बिटवीन द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। मैं अपना एग्जांपल आपको दे देता हूँ। वंस आई वाज द फ्रेशर आई वाज इन बीकॉम, ठीक है, तो आई वाज इन स्पोर्ट्स। अब टीचर्स ने बोला कुछ स्टार्टिंग में अकाउंटिंग चल रही थी, टीचर ने बोला हम बात बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की नॉर्मली करते थे, टीचर ने मेरे को कॉल किया कि यू जस्ट कम हियर ऑन द बोर्ड इट इज रिजॉल्व सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम भी नहीं थे तो इन्होंने प्ले के थ्रू बसाया। अब मैंने भी आगे बोला तड़ी में कि मैंने सर जस्ट फॉर यू रिस्पेक्ट आई एम जस्ट कमिंग, सबके सामने बोला क्योंकि हम भी नहीं थे उस टाइम। आके हमने उसको क्वेश्चन उसको रिस्पॉन्ड भी कर दिया। जाते आते मैंने बोला बचपन में बोले हूँ, मैंने बोला सर अगर मैं नहीं आती आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिस्पेक्ट आई जस्ट के पटना में डिनाई भी करता। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो हमने शायद करे होंगे, ठीक है। आवाज हाँ स्कूल फॉर टू ईयर्स आवाज प्रॉफिट मिलती बहुत ऑफ माई कॉलेज, मैंने पॉलिटिक्स भी करी है कॉलेज टाइम में, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यूज। ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया जो आप जो नए बच्चे हैं फैकल्टीज हैं वो नहीं किए होंगे, तो मेरे से कुछ पाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच। Pay my sincere vote of thanks, especially in the auspicious presence of our Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, CEO Sir, CFO, Registrar, all the Deans, Head of the Departments, Faculty Colleagues, Non-Faculty Colleagues, and my dear lovely students of RDE University. If I am talking about why we are celebrating this wonderful day, so you have already known in the beloved birthday celebration of our former president Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, in the beloved memory of this most regrettable personality, because he gives us an opportunity to celebrate this fantastic day. Now to conclude this session, I would like to say again, one of my sincere thanks goes for this fantastic celebration to the organizing of these our young volunteers, our students, seniors, juniors, and yes, of course, the recently forthcoming, our new launchers. They are not coming to the campus of our university, but as before the previous 3 days consecutively orientation day programs, they were immediately preparing. As I know, especially on behalf of the RDE School of Business, Management, Commerce, Hotel Management, Arts and Humanities, Technology, Life Science, most of the students are in touch of
me when they were preparing for such kind of events. And yes, Ani University, not only today, since beginning from the previous 13 years, were celebrating such kind of fabulous and fantastic. And it's a gentle promise on the rise of this Ani University on behalf of my side, being Dean Research and Development. Such kind of events not only celebrated today, but also we will start a fulfilling chain from today, as per the guidance of our Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, and rest of the all governing bodies. One more thing I would like to share with you people, not only specially we are doing the things from Monday to Saturday, but also on Sunday. And yes, of course, it was again a wonderful experience for me as well as for my colleagues, head of the departments who were not only present on yesterday, especially yesterday, everybody knows, was Sunday. But our Honorable Chancellor Sir and Vice Chancellor Sir and rest of the governing body are with us since morning till evening. So please give round a big applause for them. Because without their inspiration, such kind of programs will not be possible. And yes, of course, the faculty members, non-teaching staff who were just preparing on an instance basis. Because as our Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, CEO Sir said here, or from the dais of our university, this program was just created within 24/7 hours. So that actually creditable, one of the most important part are the team members in front of us on the dais, they are standing with us and some are sitting in front of me. So clap for them also. And yes, to conclude this word of thanks, I would like to say on behalf of being a teacher as well as Dean of School of Business, if we are just celebrating this great concept of Happy Teachers Day, so in my own imagination, there are five great personality came in the life of each and everyone who are playing wonderful teaching roles. They not only teach us, but also try to learn us how we are facing a present scenario and we will be ready for future coming aspects challenges. Likewise, number one, the most pious and religious figure is the first teacher, first and foremost teacher of a child is his or her mother. Maa kisi bhi bache ki pratham guru hoti hai, jo usse first lesson sikhati hai. Second guru uska pita hota hai, jo bache ki pehli baar ungli pakad kar usse chalna sikhata hai. Aur ye sikhata hai, bete ya pyari beti, tumhe aane wale samay mein किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना होता है. तीसरा जो गुरु होता है वो वास्तव में होता है उसका गुरु, यानी सो कॉल्ड टीचर. वी पीपल, वी ऑल डिग्निटरीज फ्रेटरनली इन फ्रंट ऑफ मी, यू द टीचर ऑफ आर यूनिवर्सिटी नॉट ओनली बट द टीचर ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट लाइक अ प्ले ग्रुप स्कूल अप टू द हायर एजुकेशन. द फोर्थ वन इज द दिस सो कॉल्ड आवर धरती माँ लैंड, क्योंकि जब बच्चा पहली बार खेलता है, घुटनों के बल चलता है और चोट खाकर गिरता है, ऑब्वियसली ये उसे अपनी गोद में लेती है. और हमारे अर्बन में आपने सुना होगा, रूरल एरियाज में भी सुना होगा, गांव में तो पक्के तौर पर कि बेटा मिट्टी में खेलो, आप मिट्टी में खेलोगे तो ये कभी आपको चोट नहीं लगने देगी, बल्कि आपको रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड कराएगी. और जो पांचवा गुरु है, इन माय ओपिनियन दैट इज योर स्पिरिचुअल टीचर्स, आध्यात्मिक गुरु, वो हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमें लाइफ में एथिक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है. तो दीज आर दी फाइव टीचर्स हु लर्न ईच एंड एवरी पर्सन. वंस अगेन ऑन द डाइस ऑफ दिस ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी, आई पे माय सिंसियर वर्ड ऑफ थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू प्रेजेंट हियर इन दिस सेमिनार हॉल. वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ग्रेट Teachers Day. Heartiest thanks to all the dignitaries, non-dignitaries, and yes, of course, my dear students. Thank you so much. Thank you, sir. So we are done with today. Now.
present for all faculty members in mess and thanks for coming. ये आज चांसलर सर ने मुझे कहा, शायद जिंदगी में पहली बार मैं पब्लिक के लिए काम करने जा रहा हूं। आपसे पहले मैंने कभी पब्लिक में या किसी के सामने ऐसे कभी अपलोड नहीं ले लिया और मैंने फॉर्मली कहीं से सीखा भी नहीं है। मैं बस बजाते बजाते इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, तो आपके सामने थोड़ा सा सर के रिक्वेस्ट, पहली बार जिंदगी में पब्लिकली, मेरे को कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बस बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूं। छोटा सा बजाओ बस, ज्यादा देर नहीं।